हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी ईयर 2006 में रिलीज हुई थी और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में से 8। ये मूवी विल स्मिथ की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस गार्डनर और उसके बेटे क्रिस्टोफर जूनियर से। क्रिस अपने बेटे को डे केयर छोड़ता हुआ अपने काम पर जाता है। वो एक बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा होता है अपनी बोन डेंसिटी स्कैन मशीन के साथ। ये मशीन एक एक्सरे की तरह होती है जो बोन में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स को कैलकुलेट करती है और बताती है बोन्स में कितनी स्ट्रेंथ और थिकनेस है। वहाँ एक पागल बंदा आता है और वो उस मशीन को बार बार टाइम मशीन कहने लगता है। फिर क्रिस बस में चढ़ जाता है पर वो बंदा उसके पीछे पीछे बस में भी आ जाता है और वहाँ भी वो उसे टाइम मशीन कहता रहता है, जिस वजह से वहाँ के लोग उसे पागल समझने लगते हैं। क्रिस उस मशीन को बेचने की बहुत कोशिश करता है पर वो बिकती नहीं। फिर वो अपनी वाइफ लिंडा के पास जाता है जो एक लॉन्ड्री शॉप में काम करती है। उसे कहता है कि क्या आज वो क्रिस्टोफर को पिकअप कर पाएगी। ये सुन के लिंडा क्रिस से काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी दूसरी शिफ्ट का वक्त होने वाला होता है। क्रिस और लिंडा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो लोग अपना घर चलाने के लिए दिन रात काम करते हैं और साथ में अपने बेटे क्रिस्टोफर को भी संभालते हैं। क्रिस को घर के रेंट और डे केयर का खर्चा निकालने के लिए कम से कम हर महीने 2 स्कैनर बेचना जरूरी होता है क्योंकि स्कैनर काफी महंगे और ज्यादा यूज में ना होने के कारण उसे ज्यादातर डॉक्टर नहीं खरीदते। अगले दिन काम पर जाते समय क्रिस को एक बंदा दिखता है जिसके पास एक रेड फरारी होती है। क्रिस मुस्कुराकर उस बंदे से पूछता है कि दोस्त तुम क्या काम करते हो जिससे इस कार को खरीदा जा सकता है। वो बंदा मुस्कुराकर कहता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस उससे कहता है कि स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए तुम कौन से कॉलेज गए। वो बंदा कहता है स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए तुम्हें किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हिसाब किताब और बातचीत करने में अच्छा होना चाहिए। फिर वो क्रिस से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है। क्रिस वहां पर आसपास के लोगों को देखता है और देखता है कि वो कितने खुश हैं, तो वो ये सोचता है कि वो क्यों नहीं खुश रह सकता। फिर अगले दिन सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वो कल काम पर जाते समय एक स्टॉक ब्रोकर फर्म पर होकर जाएगा। लिंडा उससे पूछती है कि वो कौन सी जॉब के लिए वहां जा रहा है, तो क्रिस उसे बताता है स्टॉक ब्रोकर। लिंडा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या वहां पे कोई एस्ट्रोनॉट की जॉब नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम अपनी मशीन सेल्स पर ही ध्यान दो, अभी हमने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है और पिछले 5 महीनों से मुझे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। क्रिस उससे कहता है ये सब वो अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। फिर क्रिस अपने काम पर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक स्टॉक ब्रोकर फर्म दिखती है, पर वहां वो मशीन के साथ अंदर नहीं जा सकता। उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है जो गाना गा के पैसा कमाती है। वो उसे $1 देता है और कहता है कि वो कुछ देर तक उसकी मशीन को संभाले। फिर अंदर जाते ही क्रिस को एक इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जॉब अप्लाई करने के लिए। जब क्रिस फॉर्म ले रहा होता है तो उसे बाहर वो लड़की दिखती है उसकी मशीन के साथ भागते हुए। क्रिस बिना फॉर्म लिए उस लड़की के पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो लड़की सबवे से एक ट्रेन में घुस जाती है और क्रिस उसे पकड़ नहीं पाता। वो निराश होकर वापस घर चला जाता है। अगले दिन क्रिस स्टॉक ऑफिस के मेन ब्रांच में जाता है और वहां उसे मिस्टर टिसल मिलते हैं। क्रिस टिसल को इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म देता है और वहां से चला जाता है। तभी क्रिस को रास्ते में वो लड़की दिखती है जिसने उसकी मशीन चुराई थी। फिर क्रिस उसके पीछे भागने लगता है और भागते भागते वो लड़की एक बस में चढ़ जाती है अपने साथी के साथ। फिर क्रिस उस बस पर किसी तरह पहुंच जाता है और उस लड़की से चुपचाप अपनी मशीन ले लेता है। क्रिस के लिए उसकी मशीन बहुत जरूरी होती है क्योंकि एक मशीन बेचकर वो 1 महीने तक अपने घर का खर्चा चला सकता है। जब क्रिस अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ लिंडा उसे एक और मशीन के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। वो मशीन बेचने के बजाय एक और मशीन घर ले आया। उसे लगता है कि क्रिस का स्ट्रगल ऐसा ही चलता रहेगा। अगले दिन क्रिस मिस्टर टिसल से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसने 1 महीने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो उससे कुछ बात करना चाहता है। पर ट्रिसल बहुत जल्दी में होता है और वो क्रिस को कहता है कि उसे किसी तरह जल्द से जल्द नोवा वैली पहुंचना है। वो उससे कहता है कि वो उससे बाद में मिल लेगा, पर क्रिस का ट्रिसल से बात करना बहुत जरूरी होता है तो वो क्रिसल को झूठी बोल देता है कि उसे भी नोवा वैली जाना है, तो क्यों ना वो दोनों कैब शेयरिंग पे कर ले, और ट्रिसल मान जाता है। क्रिस ट्रिसल को बताता है कि उसे किन किन चीजों का एक्सपीरियंस है और उसने कहां कहां पर काम किया है, पर ट्रिसल का पूरा ध्यान रूबिक क्यूब सॉल्व करने में होता है। ट्रिसल बहुत परेशान हो जाता है उस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में। तभी क्रिस उसे कहता है कि वो उसे सॉल्व कर सकता है, पर ट्रिसल नहीं मानता और उसे लगता है कि ये सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। पर क्रिस ट्रिसल से कहता है कि वो एक बार ट्राई करना चाहेगा। फिर जैसे ही वो लोग नोवा वैली पहुंचते हैं तब तक क्रिस रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेता है। ये देखकर ट्रिसल चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं होता और वो क्रिस से काफी खुश होता है और उसे कहता है कि वो लोग फिर मिलेंगे। अब क्रिस के पास कैब ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं होते तो वो कैब ड्राइवर को बोलता है कि वो उसे कुछ दूर छोड़ दे। फिर कैब एक सिग्नल के पास आकर रुकती है तो क्रिस उसका फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है।
फिर भागते भागते वही ट्रेन में चढ़ जाता है और उसका हाथ ट्रेन के दरवाजे में फंस जाता है और उसी हाथ में होती है मशीन, तो उसे मजबूरी में वो मशीन वहीं छोड़नी पड़ती है। फिर क्रिस लिंडा को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है कि उसे देर हो गई। लिंडा क्रिस से बहुत परेशान हो चुकी है। वो क्रिस को कहती है कि वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जा रही है। ये कहकर लिंडा फोन रख देती है। क्रिस बहुत परेशान हो जाता है और वो तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसे वहां कोई नहीं दिखता। फिर क्रिस को ट्रिसल का कॉल आता है। वो क्रिस को कहता है कि उसे जॉब के लिए इंटरव्यू देना होगा। उसके लिए उसे परसों उसके ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी से मिलना होगा। क्रिस ट्रिसल को हाँ बोलकर फोन रख देता है। अगले दिन क्रिस क्रिस्टोफर के डे केयर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे लिंडा मिलती है। वो उससे कहता है कि वो क्रिस्टोफर के बिना नहीं रह सकता। अगर लिंडा को उसके साथ नहीं रहना तो वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाएगा। फिर क्रिस क्रिस्टोफर को डे केयर से अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद घर का मालिक क्रिस को बोलता है कि उसे इस घर को खाली करना होगा क्योंकि उसने 4 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। पर क्रिस अभी घर खाली नहीं कर सकता क्योंकि ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई दूसरी जगह जहां वो जाके रह सके। मकान मालिक उसे कहता है कि उसे घर में कलर कराना है। क्रिस उसे कहता है कि वो कलर कर देगा पर उसे कुछ दिनों के लिए उस घर में रहने दें। मकान मालिक मान जाता है और उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है। अगले दिन पुलिस क्रिस को अपने साथ ले जाती है क्योंकि क्रिस ने अपनी कार का काफी टाइम से चलान नहीं भरा था। क्रिस पुलिस वालों को एक चेक दे देता है और कहता है कि उसके पास इतने ही पैसे हैं। पर पुलिस वाले उसे जाने नहीं देते। वो उसे कहते हैं कि सुबह के 9:30 बजे तक उसे पुलिस स्टेशन में ही रहना होगा जब तक कि ये चेक क्लियर ना हो जाए। क्रिस पुलिस वालों को बताता है कि वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में नहीं रुक सकता। उसका बेटा घर में अकेला है और अगले दिन 10:30 बजे उसका जॉब इंटरव्यू है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है। पर पुलिस वाले नहीं मानते। फिर क्रिस लिंडा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो 1 रात के लिए क्रिस्टोफर को संभाल ले और लिंडा मान जाती है। क्रिस को पूरी रात जेल में बितानी पड़ती है। फिर अगले दिन क्रिस तेजी से ब्रोकर ऑफिस भागता है पर उसने घर के कपड़े पहने होते हैं और उसके चेहरे और कपड़ों पर पेंट लगा होता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर जाकर कपड़े चेंज कर सके, इसलिए जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंचता है। फिर क्रिस को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्रिस को इस तरह देखकर सबको अजीब लगता है और ये बात क्रिस को भी पता होती है, तो इसके लिए क्रिस अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताता है कि उसे ऐसा क्यों आना पड़ा। फिर वो लोग क्रिस से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आता है और हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो बताओ हमने उसे सेलेक्ट क्यों किया। तो क्रिस थोड़ी देर सोचता है और कहता है शायद उसकी पैंट आपको पसंद आ गई होगी, और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर क्रिस बाहर आता है और उसे पता चलता है कि उसे अभी यहाँ पैसे नहीं मिलने वाले। वो ट्रिसल को कहता है कि शायद वो ये जॉब नहीं करेगा क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ट्रिसल उसे आज रात तक का टाइम देता है और कहता है कि वो सोच के बता दे। फिर क्रिस घर पहुंचता है और वो वहां क्रिस्टोफर और लिंडा का वेट कर रहा होता है। लिंडा क्रिस्टोफर के साथ घर पहुंचती है और उसे बताती है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, शायद उसे वहां कोई काम मिल जाए। क्रिस लिंडा को बोलता है क्रिस्टोफर उसके साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो लिंडा को बताता है कि आज उसका इंटरव्यू था स्टॉक ब्रोकर की पोजीशन के लिए और वो सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके पास 6 महीने का एक प्रोग्राम है जिसे उसे पास करना होगा। लिंडा क्रिस को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो भी उसके साथ चले, पर क्रिस नहीं मानता और वो वहां से चली जाती है। फिर क्रिस ट्रिसल को कॉल करके जॉब के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन क्रिस वो घर छोड़कर एक छोटे से मोटल चला जाता है। क्रिस क्रिस्टोफर के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। वो क्रिस्टोफर को कहता है किसी को ये मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। तुम्हारे जो सपने हैं वो तुम्हें बचा के रखने हैं। लोग खुद जो काम नहीं कर पाते वो दूसरों से भी यही कहते हैं कि वो भी ये काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ करो बस। ये बोलकर वो क्रिस्टोफर को वहां से ले जाता है। अब क्रिस के पास 6 मशीनें थी जिसे बेचकर उसे 6 महीने तक अपना खर्चा निकालना था, और साथ साथ क्रिस की ब्रोकर ट्रेनिंग भी चल रही होती है और वो साथ में मशीन भी बेच रहा होता है। क्रिस को अपनी ब्रोकर क्लास से 10 मिनट का ब्रेक मिलता है तो वो बाहर आता है। बाहर आते ही उसे वो पागल बंदा दिखता है अपनी मशीन के साथ। ये वही मशीन होती है जिसे क्रिस उस दिन रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है। क्रिस उसका पीछा करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसी बीच क्रिस का जूता कहीं गिर जाता है और फिर वो ऑफिस बिना जूते के पहुंचता है। क्रिस इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करता है। उसे अपने बॉस का दूसरा काम भी करना पड़ता है जैसे कॉफी लाना या कार पार्क करना। क्रिस को बहुत सारा काम करना था इन 6 महीनों में, पर उसके पास टाइम नहीं होता कि वो दूसरी जगह अपना टाइम वेस्ट कर सके, इसलिए वो कई बार पानी भी नहीं पीता अपनी पूरी शिफ्ट में क्योंकि उसके बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ता है जिसमें उसके 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। क्रिस को इस जॉब की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ मशीनें ही हैं घर चलाने के लिए और उसे अपने बेटे के लिए भी पैसों की जरूरत है। क्रिस को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम होता है और उसे कहा जाता है कि वो उन लोगों को कन्विंस करे कि वो लोग उसकी कंपनी से शेयर खरीदें। वो लिस्ट बहुत लंबी होती है। क्रिस उस लिस्ट में से एक नंबर सेलेक्ट करता है वाल्टर रिबन का जो कि पेंशन फंड का सीईओ होता है और उसे कॉल लगाता है। रिबन क्रिस को बोलता है कि अगर वो 20 मिनट में उसके ऑफिस आ सकता है तो वो उससे बात करेगा।
क्रिस मान जाता है और वो रिबन के ऑफिस जा रहा होता है। तभी उसका बॉस उसे बोलता है कि वो उसकी कार पार्क कर दे। क्रिस बहुत लेट हो चुका होता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने बॉस की कार ले जाता है और जल्दबाजी में वो रिबन के ऑफिस के बाहर रॉन्ग पार्किंग में पार्क कर देता है। और जब वो ऑफिस पहुंचता है तब तक रिबन ऑफिस से जा चुका होता है। क्रिस बहुत दुखी हो जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी बॉस की कार जो उसने रॉन्ग पार्किंग में लगाई थी उस पर चालान लगा होता है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे के साथ रिबन के घर जाता है और वो रिबन को मस्का लगाने की कोशिश करता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया और उसके लिए रिबन को उसका वेट करना पड़ा। क्रिस रिबन को बोलता है कि वो फुटबॉल मैच देखने जा रहा है। क्रिस ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम क्रिस ने रिबन को कॉल किया था उस टाइम पे रिबन फुटबॉल मैच देखने जाने की बात कर रहा था। फिर रिबन क्रिस और उसके बेटे को बोलता है कि वो भी उसके साथ चले फुटबॉल मैच देखने के लिए। अब क्रिस उसका बेटा और रिबन उसका बेटा फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी क्रिस उस टाइम का फायदा उठाकर रिबन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रिबन अपने रिटायरमेंट के पैसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, पर रिबन अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता। अब गेम खत्म हो चुका है और रिबन और क्रिस बाहर आ जाते हैं। वहां क्रिस की जान पहचान काफी लोगों से हो जाती है। एक तरह से रिबन के साथ जाना क्रिस के लिए इतना बुरा भी नहीं था। भले क्रिस को रिबन के पैसे ना मिले हों पर उसकी वजह से उसकी पहचान काफी लोगों से हो गई। अब 4 महीने हो गए हैं और क्रिस ने सारे स्कैनर बेच दिए हैं, तो अब तक तो सब सही चल रहा है। पर एक दिन क्रिस को लेटर आता है इनकम टैक्स की तरफ से कि उसने काफी टाइम से टैक्स पे नहीं किया है और अगर उसने टैक्स पे नहीं किया तो इनकम टैक्स वाले उसके अकाउंट से $600 निकाल लेंगे। कुछ दिनों बाद क्रिस के अकाउंट में सिर्फ $21 ही बचते हैं। वो हर जगह से ट्राई करता है कि उसके दोस्तों से उसे कुछ पैसे मिल जाए, पर उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। फिर क्रिस अपने बेटे के साथ एक पार्क में जाता है। वहां उसे वो पागल बंदा दिखता है जो उसकी मशीन ले गया था और फिर क्रिस उस बंदे से अपनी मशीन वापस ले लेता है। फिर क्रिस उस मशीन को बेचने की कोशिश करता है पर उसमें कुछ खराबी आ जाने के कारण वो मशीन बिक नहीं पाती। क्रिस अपने बेटे के साथ वापस मोटल आ जाता है। वहां उसका सामान मोटल के ओनर ने पहले से ही बाहर रखा होता है क्योंकि क्रिस ने काफी टाइम से मोटल का किराया भी नहीं दिया होता। फिर क्रिस अपने दोस्त के पास जाता है ताकि उससे कुछ मदद मिल जाए, पर उससे भी उससे कोई मदद नहीं मिलती। आखिरी में क्रिस को अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। अब रेलवे स्टेशन में बैठकर क्रिस सोच रहा होता है कि वो अब क्या करे और कहां जाए अपने बेटे को लेकर। तभी उसका बेटा उसे बोलता है कि वो बंदा कौन था जो इस मशीन को बार बार टाइम मशीन कह रहा था। पहले तो क्रिस मना कर देता है कि ये कोई टाइम मशीन नहीं है, पर अपने बेटे को उदास देखकर क्रिस बोलता है ये एक टाइम मशीन है और जब वो इसका बटन दबाएंगे वो लोग डायनासोर के टाइम में पहुंच जाएंगे। फिर क्रिस और उसका बेटा बटन को प्रेस करते हैं। क्रिस अपने बेटे को बोलता है कि आंखें मत खोलना, अभी हम लोग टाइम मशीन में हैं। फिर क्रिस उसे आंखें खोलने के लिए बोलता है और कहता है ये देखो कितने सारे डायनासोर हैं। उसका बेटा बोलता है कि उसे तो कोई नहीं दिख रहा, तो क्रिस बोलता है कि उसे सारे डायनासोर दिख रहे हैं। ये सुनकर क्रिस का बेटा मान जाता है और वो लोग इसे एक गेम की तरह लेते हैं। क्रिस अपने बेटे से बोलता है हमें डायनासोर से बचने के लिए गुफा में जाना होगा, तो क्रिस उसे बाथरूम में ले जाता है और वहां का दरवाजा बंद कर देता है। वहां क्रिस टिश्यू पेपर नीचे लगाकर बैठ जाता है और अपने बेटे को अपनी गोदी में सुला देता है। थोड़ी देर बाद एक बंदा बार बार बाथरूम का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर क्रिस ने गेट बंद किया होता है जिस कारण से वो गेट खुलता नहीं। ये क्रिस की लाइफ का सबसे मुश्किल मोमेंट होता है, उसके कारण उसके बेटे को बाथरूम में सोना पड़ रहा है। ये सोचकर क्रिस अपनी दबी आवाज में रोने लगता है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को एक ऐसी जगह लेके जाता है जहां पर बेघर लोगों को रात को रहने की जगह मिल जाती है। फिर वो वहां पर अपने बेटे को साफ करता है और उसे सुला देता है। उसके बाद वो उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि उस मशीन को बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके। अब अगले दिन उसे फिर से रूम खाली करना होता है, तो इसलिए वो अपना सारा सामान अपने साथ ऑफिस ही ले जाता है। फिर वो 5 बजे से पहले अपना काम खत्म करके लाइन में लग जाता है ताकि उसे रूम मिल सके। अब उसके पास बस यही जगह होती है जहां रात को उसको जगह मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने पूरे बीत चुके हैं और क्रिस अपना एग्जाम दे रहा होता है। फिर एग्जाम देकर वो वहीं जाता है रूम के लिए लाइन लगाने के लिए। अब मशीन ठीक करने के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपना ब्लड बेच देता है ताकि उन पैसों से वो मशीन के खराब पार्ट्स को खरीद सके और उस मशीन को ठीक कर सके। फिर क्रिस उस मशीन को रात भर ठीक करता है और उसको अगले दिन उसी डॉक्टर को बेच देता है जिसे वो लास्ट टाइम बेच नहीं पाया था। तो अब क्रिस के पास कुछ पैसे आ गए हैं ताकि वो कुछ और दिन अपना खर्चा निकाल सके। तो अब रिजल्ट का टाइम आ चुका है और क्रिस अपना रोजाना की तरह काम कर रहा होता है। तभी उसका बॉस उसे कैबिन में आने को बोलता है जहां पर वो सभी लोग होते हैं जिन्होंने क्रिस का इंटरव्यू लिया था। वो क्रिस को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुका है। ये सुनकर क्रिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो एक ऐसे पॉइंट पर होता है जहां वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इतना सारा स्ट्रगल जिस जॉब के लिए उसने किया था, फाइनली वो जॉब उसे मिल जाती है। फिर भी क्रिस अपनी खुशी और इमोशन को कंट्रोल करते हुए वहां थोड़ी देर रुकता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है।
और बाहर आके वो अपने मन में कहता है, ये बस ये वो खुशी का वक्त है जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और जोर जोर से ताली बजाने लगता है। फिर वो तेजी से भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और उससे गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद क्रिस ने खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली है। फिर 19 साल बाद क्रिस ने एक माइनॉरिटी स्टेक अपनी ब्रोकरेज फर्म से लाखों डॉलर में बेच दिया होता है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।